जय दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे आप लोग। उम्मीद दोस्त आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अवध यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर के सेकंड सब्जेक्ट साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, अधिगम का विकास एवं मनोविज्ञान। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, पिछले 5 सालों में शॉर्ट ए में, सेक्शन ए में जितने भी सवाल पूछे गए उसको हम देखेंगे। इससे फायदा ये होगा कि एक बार आप पूरा यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से गुजर जाएंगे, समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और क्या क्या टॉपिक है, उस टॉपिक को आप कितना समझते हैं, उस टॉपिक के बारे में आप कितना लिख सकते हैं, ये आपका एक रिविजन हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के दोस्तों शुरू करते हैं आपके 2022 के क्वेश्चन पेपर से। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि क्या आप इस टॉपिक को समझ पा रहे हैं, जो भी सवाल पूछे जाएंगे उसको आप उससे संबंधित कुछ लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो फिर वेल एंड गुड, आपका ये पूरा विषय तैयार हो जाएगा, इस तरीके से आप समझना चाहिए। दोस्तों 2022 के क्वेश्चन पेपर में आपसे एक सवाल पूछा गया था कि आप शैक्षिक मनोविज्ञानिक से क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाई एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब यहाँ पे दोस्तों आप चाहे तो कोई परिभाषा लिख दीजिए या फिर आप अपने बारे में क्या समझते हैं साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में, एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में, आप उसको लिख सकते हैं। आप बस इतना भी लिख सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान, अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञानिक ज्ञान और सिद्धांतों का प्रयोग करना शैक्षिक मनोविज्ञान कहलाता है। मनोविज्ञान को आप और थोड़ा सा परिभाषित करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मनोविज्ञान अर्थात मन का विज्ञान, यानी किसी व्यक्ति को या फिर मनुष्य के मन को जानना, उनके व्यवहारों का अध्ययन करना मनोविज्ञान कहलाता है और उस व्यवहारों के अध्ययन का शिक्षा में प्रयोग शैक्षिक मनोविज्ञान कहलाता है। इस तरीके से आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, एक नंबर के सवाल में काफ़ी है। लेकिन और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट किसी इस मनोवैज्ञानिक के की कोई यहाँ पे उसकी परिभाषा लिख दीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछा गया था कि शैक्षिक मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेक्शन ए, सेक्शन बी या सेक्शन सी की बात करें तो एक सवाल तो जरूर आपसे पूछेगा शैक्षिक मनोविज्ञान के बारे में। तो मैं आपसे कहूँगा कि इन दो परिभाषा को लिख लीजिए, समझ लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। स्किनर ने कहा था दोस्तों, और बड़ा आसान परिभाषा है इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, स्किनर ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित होती है। मैंने भी आपसे क्या कहा था, मैंने भी यही कहा था कि मनोविज्ञान से शिक्षा मनोविज्ञान का मतलब कि शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक ज्ञान और सिद्धांतों का प्रयोग। स्किनर ने भी यही कहा, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित है, ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। स्किनर ने कहा था, क्रो एंड क्रो ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक अधिगम अनुभवों के विवरण एवं व्याख्या देता है। अब कोई बच्चा जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक वो कैसे सीखता है, किस अनुभव, क्या अनुभव करता है, इसका विवरण और व्याख्या करता है कौन, शिक्षा मनोविज्ञान। तो समझ में आ गया, दो परिभाषा यहाँ तक समझ में आ गई। शिक्षा मनोविज्ञान सबसे बेहतरीन तो स्किनर ने दिया था कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित है, ठीक है। क्रो एंड क्रो ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक अधिगम अनुभवों के विवरण एवं व्याख्या देता है। चलिए यहाँ तक बात हो गई, यहाँ तक समझ में आ गई। अब इससे संबंधित कुछ भी पूछेगा तो जरूर आप लिख सकते हैं। अब आइए, सवाल आपसे पूछा था कि बाल्यावस्था की मुख्य समस्याएं क्या हैं। बाल्यावस्था मतलब जब बच्चे छोटे होते हैं, ठीक है, तो बाल्यावस्था की मुख्य समस्याएं क्या हैं। देखिए, कम ध्यान अवधि होने और आसानी से विचलित होना, मतलब बाल्यावस्था के जो बच्चे होते हैं उनका ध्यान बड़ा कम होता है और आसानी से कभी इधर खेलते हुए चले गए, कभी उधर खेलते हुए चले गए, ठीक है। धूल धक्कड़ दिखना या चीज़ों को खोना, मतलब धूल धक्कड़ में खेलना या चीज़ों को आसानी से खोना, छोटे बच्चे हैं, लगातार बदलती गतिविधि कार्य उनकी होती हैं, थकाऊ या समय लेने वाले कार्यों से चिपके रहने में असमर्थ होते हैं, छोटे बच्चे कहाँ ही ज़्यादा काम कर पाएंगे, निर्देशों को सुनने या पालन करने में असमर्थ प्रतीत होता है, कार्यों को व्यवस्थित करने में कठिनाई होती है। बाल्यावस्था की समस्याओं में कम वजन, कुपोषण और संक्रामक रोग जैसे बीमारियाँ भी होती हैं। तो बाल्यावस्था की प्रमुख समस्याओं की बात की जाए तो ये हो गए इसके प्रमुख समस्या। चलिए अब बात कर लेते हैं, एक सवाल आपसे पूछा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्लेंडेड लर्निंग, मिश्रित अधिगम किसे कहते हैं। चलिए, मिश्रित अधिगम का मतलब क्या होता है, मिश्रित अधिगम जैसे आजकल की जो शिक्षा प्रणाली है ना, ये मिश्रित अधिगम होती है। इसमें क्या होता है, ये तो मुझे लगता है कि ICT का क्वेश्चन होना चाहिए था, मगर इसमें भी आ गया अधिगम से। इसमें क्या होता है, आप आधे बच्चों को, मतलब आधा जो है आप उसको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, और आधा कार्यक्रम आप ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखिए, मिश्रित अधिगम या ब्लेंडेड शिक्षा एक औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम है जिसमें विद्यार्थी पाठ्यक्रम का एक भाग कक्षा में पूरा करता है और दूसरा भाग डिजिटल एवं ऑनलाइन संसाधनों का प्रयोग करके सिद्ध करता है। ये क्या कहलाता है, मिश्रित अधिगम कहलाता है।
किसी भी कक्षा का अध्ययन का कुछ भाग कक्षा में और कुछ भाग ऑनलाइन संसाधनों के माध्यम से कहीं और से सीखता है, तो आप उसको क्या कहेंगे? ब्लेंडेड लर्निंग, जिसमें दोनों प्रकार की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके की शिक्षाएं दी जाती है। मिश्रित शिक्षा का उदाहरण, आप विद्यार्थी को चाक बोर्ड पर व्याकरण पढ़ा सकते हैं, उसी पाठ को एनिमेशन या वास्तविक समय के उदाहरणों की एक श्रृंखला के साथ लघु इंटरैक्टिव वीडियो पाठ के साथ भी समझाया जा सकता है। जो आप ग्रामर पढ़ा रहे हैं उसी को आप वीडियो के माध्यम से उसको भेज सकते हैं, वो पढ़ रहा है। तो जब आधे भाग क्लासरूम में और आधा भाग डिजिटल या बोर्ड के माध्यम से वो सीखे ऑनलाइन के माध्यम से, तो वो ब्लेंडेड लर्निंग कहलाता है। और ये इंपॉर्टेंट है ICT के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, उसमें भी ये सवाल पूछा जाता है। अब आता है दोस्तों इनफैक्टिव अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं ई लर्निंग? ओके घट करें, मैं समझ आया। अब यहाँ पे क्या, जैसे यहाँ दो सवाल है, पहला है ऑनलाइन इफेक्टिव लर्निंग, दूसरा है ई लर्निंग। उसका आंसर यहाँ पे नहीं दिया गया है, क्योंकि इसका आंसर आगे आपको दिया होगा। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये मोस्टली रिपीटेड है। क्या है कि आप ऑनलाइन इफेक्टिव लर्निंग से क्या समझते हैं, ई लर्निंग से क्या समझते हैं, कंप्यूटर का शिक्षा में क्या उपयोग है, इंटरनेट का शिक्षा में क्या उपयोग है, इस तरीके के सवाल कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑनलाइन या इफेक्टिव लर्निंग को या ई लर्निंग को आगे देखेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं, मोटिवेशन से आप क्या समझते हैं। अच्छा, मोटिवेशन होता क्या है? जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई आपको मोटिवेट करेगा तो आपकी पढ़ाई की गति और तेज हो जाएगी, आपके अंदर एक ऊर्जा आ जाएगी। मान लीजिए आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आपको कोई मोटिवेट करेगा तो आप फिर से पढ़ाई शुरू कर देंगे। ठीक है, और मोटिवेशन ऐसी चीज़ है दोस्तों जो आपके इंटरनली फीलिंग कराती है, अंतर आत्मा में एक बल देती है। और ये आंतरिक भी हो सकता है, बाह्य भी हो सकता है। आप खुद से भी मोटिवेट हो सकते हैं, यार मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पढ़ना चाहिए। या बाह्य अभिप्रेरणा भी हो सकता है, कोई आपको बाहर से आके मोटिवेट कर रहा है। तो अभिप्रेरणा वास्तव में क्या होता है? देखिए, अधिगम प्रक्रिया और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का अत्यधिक महत्व है। अभिप्रेरणा का संबंध उन कारकों से है जो मानव शरीर के को कार्य हेतु गतिमान करते हैं, जैसे मैंने बताया गतिमान करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से मानवीय व्यवहारों के पीछे अनेक आंतरिक और बाह्य कारक उत्तरदायी होते हैं, जिनको मनोवैज्ञानिक प्रेरक भी कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक केवल आंतरिक प्रेरणा का अध्ययन करते हैं और इसी के व्यवहार का आधार मानते हैं। उनके अनुसरण प्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है। तो अभिप्रेरणा क्या है भाई? अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है। और ये दोस्तों आंतरिक भी हो सकता है और बाह्य भी हो सकता है। आपको कोई अभिप्रेरणा खुद से भी हो सकता है और बाहर से भी हो सकता है, लेकिन जो शक्ति है वो क्या है? आंतरिक होती है। तो ये हो गई बात अभिप्रेरणा की। अब आइए व्यक्तिगत विभिन्नता एवं की अवधारणा, व्यक्तिगत विभिन्नता की अवधारणा। देखिए, बहुत ज़्यादा आप थियरी पे मत जाइएगा, आप कोशिश करिएगा कि खुद से लिखने का। ठीक है, कोशिश करिएगा खुद से भी लिखने का। जब व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में लिखना हो तो आप इस तरीके से लिखिए, क्लासरूम में या कक्षा में उपस्थित सभी विद्यार्थी एक समान नहीं हो सकते। उनकी सोच में, उनकी भाषा में, उनकी बोली में, उनके रंग रूप में अनेक प्रकार की विभिन्नता होती है। कोई जरूरी नहीं कि एक बालक दूसरे बालक के बिल्कुल समान हो। हर व्यक्ति के अंदर कुछ भिन्नताएं होती हैं, हर व्यक्ति की कुछ अपनी योग्यता होती है जो दूसरे से भिन्न होती है। वास्तव में इसी को हम व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। जब और नॉर्मल सी बात है, दो भाई हैं मान लीजिए या फिर दो बहनें हैं, तो एक को मैथ पसंद है, एक को मैथ से नफरत है, एक को डांस पसंद है, एक को डांस से नफरत है। तो ये क्या है दोस्तों? व्यक्तिगत विभिन्नता है, बिल्कुल ये क्या है? स्वाभाविक है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ, जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो उसे व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता से अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति में जैविक, मानसिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक अंतर पाया जाता है। इसी अंतर के कारण एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न माना जाता है। अतः कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते, यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे भी असमानता पाई जाती है। इस दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नता प्रकृति द्वारा प्रदत्त व स्वाभाविक गुण है। तो भाई इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है भाई? व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है? ये प्रकृति के एक स्वाभाविक गुण है। ठीक है, जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करती है, उनके मानसिक सोच से, उनकी व्यवहार से, उनके बोल से, उनके पसंद से, उनकी रुचि से, उनकी क्षमता से, उनकी मानसिक स्थिति से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को विभिन्न करती है। और एक स्वाभाविक, एक प्राकृतिक प्रदत्त है, स्वाभाविक गुण है। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। इस तरीके से आपको लिख लेना है। ये जो सारे मैं पॉइंट बता रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन ए में, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो इसी तरीके बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझते हुए चलिएगा। और आशा करता हूँ मैं आप आराम से इसको लिख सकते हैं।
अच्छा चलिए, चलो बात आई है व्यक्तिगत विभिन्नता की, तो कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के रूप क्या हो सकते हैं? एक इंसान दूसरे इंसान से किन रूपों में अलग हो सकता है? उसके रंग रूप में हो सकता है, शारीरिक बनावट में हो सकता है, जैसे इंडिया के लोग कैसे दिखते हैं, चाइना के लोग कैसे दिखते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता हो सकती है। उसकी भाषा में हो सकती है, उसकी मानसिक सोच में हो सकती है। उसके मानसिक सोच का मतलब कुछ लोगों को कोई और सोचते हैं, कुछ लोगों को कोई और सोचते हैं। अभिरुचि में हो सकती है, किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को फुटबॉल पसंद है, किसी को खाना बनाना पसंद है, व्यक्तिगत में भी हो सकती है। और क्या क्या हो सकता है? उनकी उनकी रुचि में हो गई, उनकी क्षमता में हो गया, उनकी रंग रूप में हो गया, उनकी भाषा में हो गई, उनके उनकी भावात्मक, कुछ लोग जल्दी रोने लगते हैं, कुछ लोग कठोर दिल के होते हैं। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता के रूप होते हैं, इन रूपों में लोग एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। अच्छा, इसके कारण क्या हो सकते हैं भाई, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण? अब बात चलिए तो देखते चाहिए, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण ये भी हो सकता है अनुवांशिक वंशानुक्रम हो सकता है, माता पिता की वजह से उनके अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता हो। इसके अलावा पर्यावरण के कारण हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों कोई आकस्मिक कोई दुर्घटना हो सकती है, कि मान लीजिए किसी बच्चे का चोट लग गया सर पे, तो वहाँ से वो अलग चीज़ हो। या फिर सामाजिक वातावरण, कि जिस समाज में मैं रह रहा हूँ उस समाज में आप नहीं रहते, इसलिए हमारी सोच में अंतर है। समुदाय हो सकता है, समुदाय जिस समुदाय का मैं हूँ उस समुदाय के आप नहीं है, इसलिए हमारे अंदर थोड़ी सी व्यक्तिगत विभिन्नता। तो ये स्वाभाविक है, इसको स्वीकार करना है, इसके लिए लड़ाई या झगड़ा नहीं करना, इसे स्वीकार करना है, इसका सम्मान करना। तो ये हो सकते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण, ठीक है। तो पूछेगा, आप आराम से मस्त छाप दीजिएगा। अब आइए, शैक्षिक रूप से वंचित बालकों से आप क्या समझते हैं? देखिए, इस तरीके के पॉइंट के सबके आपने अलग आंसर लिख सकते हैं, आप अपने तरीके से। शैक्षिक रूप से वंचित बालक का मतलब क्या होता है? वे बालक जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, उन्हें शैक्षिक रूप से वंचित बालक कहते हैं। तो शैक्षिक रूप से वंचित बालक, जिन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिल पाता और अशिक्षित रह जाते हैं, यह शैक्षिक रूप से वंचित बालक कहलाते हैं। जिन्हें यहाँ पे अशिक्षित लगा लीजिएगा, ठीक है, जिन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिल पाता और अशिक्षित रह जाते हैं, वो शैक्षिक रूप से वंचित बालक कहलाते हैं, ठीक है। वंचित बालकों के जीवन में तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या? अशिक्षा के कारण ऐसे बच्चों का मानसिक विकास नहीं हो पाता है, या फिर कह लीजिए कम हो पाता है। इसलिए उन्हें उचित और अनुचित निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। कुछ बच्चे बुरी आदतों और कुछ ही बच्चे बुरी संपर्क में आकर असामाजिक कार्य में लिप्त हो जाते हैं। ऐसे बच्चों को सामाजिक अवहेलना सहनी पड़ती है, मतलब समाज से उन्हें भगाना, ये सारी चीज़ सहनी पड़ती है। इससे उनमें हीन भावना पनपती है और उनमें समाज के प्रति विद्रोह की भावना जन्म लेती है। तो क्या है भाई, शैक्षिक रूप से वंचित बालक मतलब कौन? जिन्हें शिक्षा प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता, जो अशिक्षित रह जाते हैं, और अशिक्षा होने के कारण उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं, वो समाज के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते, उन्हें बहुत अवहेलना सहनी पड़ती है, और कभी कभी वो बुरी आदतों में लिप्त हो जाते हैं, गलत काम में वो लिप्त हो जाते हैं, बाल अपराध ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। तो शैक्षिक रूप से वंचित बालक, अब बस सुनते जाइए, समझते जाइए, कल देखिएगा एग्जाम में अगर पेपर में आ गया तो क्या लिख के आएंगे आप। टीचर भी कहेगा ये लड़का तो 365 दिन पढ़ने वाला लड़का है, बाकी ये असलियत तो आपको भी पता है। चलिए दोस्तों, ये जो सारे सवाल थे वो 2022 में पूछे गए थे, बहुत सारे सवाल 2022 के 2021 में रिपीटेड थे, इसलिए 2022 में कुछ क्वेश्चन की संख्या कम हो गई। अब हम देखेंगे 2021 के क्वेश्चन पेपर को, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल, शैक्षिक मनोवैज्ञानिक को परिभाषित कीजिए। फिर से वही सवाल आ गया, 2022 में भी आया था, 2021 में भी आया था, शैक्षिक मनोविज्ञान की परिभाषा। तो चलिए परिभाषा कर लीजिए। स्किनर ने क्या कहा था? स्किनर ने कहा था कि शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है भाई? मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित है, ठीक है, शिक्षण और अधिगम से संबंधित है। क्रो एंड क्रो ने कहा था, शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक अनुभवों का विवरण एवं व्याख्या देता है, ठीक है, बात समझ में आ गई, यहाँ से बात हो गई। चलिए, शैक्षिक मनोविज्ञान आता है भाई, शैक्षिक मनोविज्ञान आता ही आता है, मैं कह तो रहा हूँ आता है। संज्ञानात्मक विकास को स्पष्ट कीजिए। संज्ञानात्मक विकास, पहले संज्ञान का मतलब क्या होता है आपको पता है? जैसे मैं कहता हूँ कि यह मामला मेरी संज्ञान में है, संज्ञान का मतलब मेरी नॉलेज में है, मेरे ज्ञान में है, मेरी समझ में है, ठीक है, मेरी जानकारी में है, ठीक है। तो अब समझ, जानकारी, ज्ञान होना किससे संबंधित है? आपके दिमाग से संबंधित है। तो संज्ञानात्मक विकास का मतलब आपके दिमाग का विकास करना, इसको अब स्पष्ट करना है। संज्ञानात्मक विकास से अभिप्राय बालक की मानसिक क्षमता का विकास, जिसमें बुद्धि, चेतना, विचार और समस्या समाधान की क्षमता सम्मिलित होती है, और इसका विकास शैशवावस्था से शुरू हो जाता है, बचपन से ही शैशवावस्था से शुरू हो जाता है। संज्ञानात्मक विकास एक विकासात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बच्चा बुद्धिमान व्यक्ति बनता है, बुद्धि के साथ साथ ज्ञान अर्जित करता है तथा चिंतन अधिगम तक अमूर्त योग्यता में सुधार करता है। जैसे जैसे हमारे दिमाग विकसित होती जाएगी, हम अमूर्त चीज़ों को भी सोचने लगेंगे। अमूर्त चीज़ें मतलब दिखाई नहीं देंगी, जैसे मैं आपसे कह दूँ प्यार,
प्यार दिखाई देता है नहीं, फिर भी आप समझते हैं कि हम मेरा किसी से लगाव है, किसी से जुड़ाव है। अच्छा, एक शब्द आता है जैसे अगर आपसे कोई कहे प्यार क्या है, इसको एक्सप्लेन करिए, तो ये एक ऐसी अमूर्त चीज़ है, वास्तव में एग्जिस्ट ही नहीं करती, मगर मुझसे कोई पूछे तो ये कोई एग्जिस्टेंस इसका नहीं है, ठीक है, ना इसे हम छू सकते हैं, ना इसे देख सकते हैं, हाँ महसूस कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, अच्छा इसे साबित भी नहीं कर सकते। अब कोई बच्चा कहते सर हवा भी तो नहीं दिखाई देता, इसका मतलब हवा नहीं है, तो अगर हवा नहीं दिखाई देता तो हवा को साइंटिफिक हम प्रूफ कर सकते हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन है, कुछ गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, इसको प्रूफ कर सकते हैं। अब प्यार को आप कैसे प्रूफ करेंगे? आप कह रहे हो सर हवा है, तो हवा में बहुत बड़े से पार्टिकल्स हैं, डस्ट हैं, रेज के किरणें हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, कई तरीके गैसेस हैं। प्यार में क्या क्या, बताइए इसके ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। अब आप कहोगे सर प्यार में क्या है, हाँ देखो जो शेर व शायरी वाले हैं ना वो कह देंगे प्यार में केयरिंग है, मतलब एक दूसरे का परवाह। अरे हम कहाँ चले गए भैया, आइए यहाँ पे आते। तो आप कभी, चलो एग्जाम के बाद कभी डिस्कस करेंगे कि प्यार में क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। कोई कहेगा सर आप नहीं समझ सकते, हाँ भैया हम तो नहीं समझ सकते, सही बात है, ये वही जाने इसक कीजिए फिर समझिए मोहब्बत क्या चीज़ है। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। तो भैया वृद्धि के साथ साथ ज्ञान अर्जी, और कहाँ पे बात थी, अमूर्त योग्यता में सुधार करता, अमूर्त मतलब जो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती उसको भी सोचने लगता है। ये कब होता है, जब उसके संज्ञानात्मक उसके मानसिक शक्ति का विकास होता है। अब आप कह सकते हैं कि मेरी मानसिक शक्ति का विकास नहीं है, आई एक्सेप्ट इट, चलो आप कभी समझा देना वीडियो बना के। शारीरिक वृद्धि के तहत पहले 4 वर्षों तक बालक के 80% मानसिक विकास हो जाता है, 22 से 24 तक यह परिपक्व होता है। तो कोई बच्चा अगर 24 साल तक हो गया तो मेंटली परिपक्व हो गया, वह समझ सकता है क्या सही है क्या गलत है। हम बात कर रहे थे कि इसकी संज्ञानात्मक विकास की, संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या है भाई, मूल अवधारणा क्या है, मानसिक क्षमता का विकास जिसमें बुद्धि चेतना विचार समस्या समाधान की क्षमता सम्मिलित होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक को कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, बताइए 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 बताइए, मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने दिया था, बहुत अच्छा। अब भाई वंशानुक्रम क्या है भाई, हेरिडिटी क्या है, वंश अनुक्रम मतलब वंशज से, वंशज में आने वाले क्रम में, मतलब माता पिता दादा दादी के गुण का माता पिता में आना, माता पिता के गुणों का मेरे हमारे अंदर आना, हमारे गुणों का हमारे संतानों में ट्रांसफर होना, इसी के क्रम को हम क्या कहते हैं दोस्तों, वंशानुक्रम कहते हैं। आसान से शब्दों में लिख के आ जाइएगा कि जिस विधि द्वारा माता पिता के गुण बालक के व्यक्तित्व में लाए जाते हैं उसे वंशानुक्रम कहते हैं। बालक के अधिकतर रंग रूप आकृति विद्वता में अपने पूर्वजों एवं माता पिता से मिलता जुलता होता है, यानी उससे अपने माता पिता के शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। जैसे माता पिता हैं वैसे ही उनके संतान होते हैं, इसी को हम वंशानुक्रम या आनुवंशिकता या पैतृकता, वंश परंपरा आदि नामों से पुकारते हैं। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग कहा जा सकता है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, माता पिता के गुणों का आगे वंशों में स्थानांतरण होना, ट्रांसफर होना, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ना, यही क्या होता है, वंशानुक्रम होता है। और थोड़ा सा लिख दीजिए कि बहुत हद तक बच्चों के शारीरिक रंग रूप आकृति विद्वता उनकी मानसिक सोच समझने की क्षमता अपने पूर्वजों पे यानी कि वंशानुक्रम पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये हुई बात वंशानुक्रम की, इसको अन्य किन नामों से जाना जाता है, इसको जाना जाता है आनुवंशिकता पैतृकता वंश परंपरा आदि नामों से पुकारते हैं, लिख लेंगे बाबू, चलिए वंशानुक्रम को आप लिख लीजिएगा। अगला जो सवाल है, वाह 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 क्या सवाल है, देखिए दो सवाल पे ना मैं बैठ, दो नहीं ज्यादा 3-4 सवाल ऐसे हैं जिसमें मैं बैठ लगा सकता हूँ। शिक्षा मनोविज्ञान, अधिगम, अनुवांशिकता, व्यक्तित्व, अभिप्रेरणा, ये सारे ऐसे सवाल हैं कि एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको दिख ही जाएंगे। उसमें से एक ये सवाल है दोस्तों, अधिगम मतलब सीखने की अवधारणा क्या है, ठीक है। अब इसका क्या है दोस्तों, इसका सबसे अच्छा सीखना क्या है भाई, सीखना ये है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, आपके बिहेवियर से आपके बिहेवियर में चेंज होना ही सीखना है। ये किसने कहा था, गिलफोर्ड ने कहा था। सीखना मतलब अधिगम मतलब आपके व्यवहार में परिवर्तन होना, आपके व्यवहार का मॉडिफिकेशन होना दोस्तों, संशोधन होना, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा अपने व्यवहारों का संशोधन और परिमार्जन करना ही सीखना कहलाता है। तो जैसे जैसे इंसान सीखता जाता है उसके व्यवहार में परिवर्तन होता जाता है। अब यूं भी समझ लीजिए कि अगर किसी के व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता तो वो सीखता नहीं है। और ख़ास तौर पे आप लोगों से मैं एक बात कहता हूँ, आप लोगों के लिए बड़ा सम्मान है मेरे दिल में, दो वजह है। पहली बात कि आप वर्तमान के विद्यार्थी हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आप कल के शिक्षक शिक्षिका हैं, कल के आप गुरुजन बनने वाले हैं,
ठीक है। तो आपको अपने व्यवहार में बहुत परिवर्तन लाना पड़ेगा, आपको बड़ा ही धैर्य होना पड़ेगा, शांत स्वभाव का होना पड़ेगा, समझदार होना पड़ेगा। ज़रूरत नहीं कि हर बार हर किसी को जवाब दें, कुछ चीज़ें समझ के कुछ चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को टालना पड़ेगा। इस तरीके की बहुत अच्छी आदतों को अपने अंदर शामिल करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप कल के शिक्षक बनने जा रहे हैं, कल के देश के निर्माणकर्ता बनने जा रही हैं। तो इसीलिए दोस्तों अधिगम मतलब सीखने का मतलब अपने व्यवहार में परिवर्तन। तो तीन परिभाषा देख लीजिए, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है गिलफोर्ड के अनुसार। स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में प्रगतिशील सामंजस्य प्रक्रिया है। गेट्स के अनुसार अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा अपने व्यवहार का संशोधन और परिमार्जन करना ही सीखना है। अब कुछ और आपको एक्सप्लेन करना चाहें, सामान्य अर्थों में किसी नवीन बात को सीखना अधिगम कहलाता है, अर्थात सीखना ही अधिगम है। जन्म लेने के पश्चात व्यक्ति अपने एक विशेष प्रकार के भौतिक सामाजिक वातावरण के साथ अनुक्रिया करता है, अनुकरण करता है, उससे सीखता है और अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसी प्रकार धीरे धीरे उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है और यही परिवर्तन लाने की प्रक्रिया एक अधिगम कहलाती है, एक सीखना कहलाती है। ये सारी चीज़ें वो बातें हैं जो मैं समझ के बता रहा हूँ, शायद इसमें नहीं मिलेगा, तो आपको भी वही लिखना है जो आप समझ गए हैं। समझ गए भाई क्या है, व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, नवीन ज्ञान नवीन तत्वों को सीखना ही क्या है, यह जानना ही क्या है सीखना है, अपने व्यवहार में लाना ही क्या है भाई सीखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस तीन को याद कर लीजिए, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है सीखना है। दिस इज व्हाट, दिस इज लर्निंग, दिस इज क्या, दिस इज अधिगम। अभिप्रेरणा के तत्व, ओके बहुत अच्छी बात है। अभिप्रेरणा के तत्व मतलब मोटिवेशन। देखा मैंने कहा था ना मोटिवेशन 22 में भी आया था और यहाँ भी आ गया। मोटिवेशन के तत्व क्या होते हैं, किसी चीज़ को कब मोटिवेशन की जरूरत है, जब उसे नीड, किसी चीज़ की नीड हो, जरूरत हो, ठीक है। दूसरा दोस्तों ड्राइव्स, उसके अंदर कुछ करने की शक्ति मतलब चालन हो, मतलब एक मोशन हो। उद्दीपन या प्रोत्साहन, उसको लगे कि मुझे कुछ मिलने वाला है, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए अभिप्रेरणा का मतलब अगर आप कोई मोटिवेट कर रहा है तो इसीलिए मोटिवेट कर रहा है ना, कल को आप शिक्षक बनेंगे, कल को आप कुछ प्राप्त होंगे, तो आपके सामने कुछ उद्दीपन है। प्रेरक, कोई मोटिवेट करने वाला चाहिए। और तो थोड़ा सा आवश्यकता को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया कि शरीर में किसी चीज़ की कमी या अति आवश्यक कहलाती है, कमी या अति आवश्यक कहलाती है। अभिप्रेरण का आधार प्रदान करने को का कार्य आवश्यक के द्वारा होता किया जाता है। आवश्यकता ही वह तत्व है जिसके अभाव में अभिप्रेरण चक्र को प्रारंभ नहीं किया जाता। अब किसी को कोई आवश्यकता ही नहीं है तो भैया क्या ही वो मोटिवेट हुआ। आप किसी को बड़ा मोटिवेट कर रहे हैं कि पढ़ो, पढ़ के तुम ये कर सकते हो, पढ़ के तुम वो कर सकते हो, लेकिन वो कहे भैया हमें ज़रूरत नहीं है पढ़े के, तो भाई क्या ही आप उसको मोटिवेट करेंगे। तो ये वो तत्व हैं, कहने का मतलब है दो तीन पॉइंट है, तत्व है, इसको समझ जाइए। अगर पूछता है तो आप इसको लिख सकते हैं अभिप्रेरणा के तत्व। अब आइए बुद्धि को परिभाषित कीजिए। तो बुद्धि को हम परिभाषित कर देते हैं, मैंने कहा था आएगा मिलेगा भाई। एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जिस अनुपात में वह अमूर्त रूप से चिंतन की क्षमता रखता है। एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जिस अनुपात में वह अमूर्त रूप से चिंतन की क्षमता रखता है। एन इंडिविजुअल इज इंटेलिजेंट इन प्रोपोर्शन एज ही एबल टू कैरी ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो जिससे अमूर्त चीज़ों को जिस अनुपात में सोच सकता है वो उसी अनुपात में बुद्धिमान है। जो चीज़ें यहाँ पे दिखाई नहीं देती, जैसे मान लीजिए कोई भी संबंध हो, इज्जत हो, प्यार हो गया, इज्जत कहाँ है भैया, इज्जत कहाँ दिखाई दे रही है, ये अमूर्त चीज़ है लेकिन हमें एहसास है, तो हम क्या होंगे, इंटेलिजेंट होंगे। दूसरा बुद्धि की परिभाषा देख लेते हैं। हाँ जी, बुद्धि की परिभाषा क्या, ऐसी समस्याओं को हल करने की योग्यता जिनमें ज्ञान और प्रतीकों को समझने और प्रयोग करने की आवश्यकता हो, जैसे अंक शब्द रेखाचित्र समीकरण और सूत्र आदि। तो ऐसे सूत्र ही बुद्धि है। तो इस तरीके की जिसके अंदर ज्ञान है योग्यता है उसी को हम क्या कहते हैं, बुद्धिमान कहेंगे, और उसी को हम क्या कहेंगे, बुद्धि कहेंगे। अगला सवाल, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। ओहो मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, अधिगम और अधिगम, मैं कहता रहा हूँ शिक्षा मनोविज्ञान और अधिगम, कल पेपर में आपको देखने को मिलेगा। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या हो सकते हैं भैया, शारीरिक स्वास्थ्य, बच्चा बीमार रहता है तो क्या ही सीखेगा वो, सीखने का समय कब उसको सिखा रहे हैं आप, अभिप्रेरणा का स्तर, ठीक है, किस लेवल पे आप सिखा रहे हैं, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, उसका शारीरिक के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, शिक्षण पद्धति किस मेथड से सिखा रहे हैं, पढ़ने की इच्छा भी है कि नहीं बच्चे का, मनोवैज्ञानिक एवं बाल प्रकृति का ज्ञान, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री कि क्या किन वस्तुओं के द्वारा आप सिखा रहे हैं। तो ये वो सारे कारक हैं, फैक्टर हैं, जो सीखने को प्रभावित कर सकते हैं एक बच्चे को। समझ में आ गया भाई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। व्यक्तित्व की अवधारणा, पर्सनालिटी किसे कहते हैं, पर्सनालिटी, चलिए भाई पर्सनालिटी देख लेते हैं। अक्सर आप देखते हैं बाह्य स्वरूपों को पर्सनालिटी कहा जाता है, अरे वाह ही सो स्मार्ट यार, व्हाट ए पर्सनालिटी ही हैज, कैसे भाई स्मार्ट दिख रहा है। तो व्यक्तित्व क्या कहते हैं भैया, व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। कभी यह व्यवहार की व्याख्या करता है, कभी यह मानसिक क्षमता की, कभी कभी इसे समायोजन करने की क्षमता के रूप में प्रयोग किया जाता है, और कभी कभी यह शारीरिक उपस्थिति को स्पष्ट करता है।
तो कभी कभी भाई व्यक्तित्व मतलब वो बड़े ही शांत स्वभाव के हैं, बड़े ही अच्छे व्यक्तित्व के हैं। तो कभी कभी भाई व्यक्तित्व विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया जाए, कैसे? कभी कभी उसकी शारीरिक उपस्थिति, मतलब देखने में स्मार्ट है तो कहेंगे वाह बड़े पर्सनैलिटी। कभी कभी समायोजन करने की क्षमता को, वो कैसे एक दूसरे को एडजस्ट करता है समाज के साथ। कभी कभी उसकी मानसिक क्षमता को और कभी उसकी व्यवहार को। तो व्यवहार, मानसिक क्षमता, समायोजन और उसके उसकी शारीरिक उपस्थिति, तो इन चार शब्दों में, चार अर्थों में व्यक्तित्व को समझा जाता है। दूसरा, दार्शनिक दृष्टिकोण देखें। दार्शनिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व क्या है? दार्शनिक विचारधारा के अनुसार व्यक्तित्व का आशय आत्मज्ञान और पूर्ण आदर्श से है। ज्ञान के रूप और उसका आदर्शवाद व्यक्ति की मानसिक संरचना में समाहित है। तो यह है वही व्यक्तित्व की बात, दार्शनिक दृष्टिकोण। समाजशास्त्र के दृष्टिकोण के अनुसार भैया, समाजशास्त्र दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्ति व्यक्तित्व में वह गुण शामिल हैं जो समाज में व्यक्ति के कार्य और पद को निर्धारित करते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार सामाजिक प्रभावशीलता प्रमुख विशेषता है। अब यहाँ पे समझ आइए, समाजशास्त्र दृष्टिकोण के आधार से कहेंगे तो जो व्यक्ति उसका समाज के साथ, दोस्तों समाज के साथ कैसा उसका व्यवहार है, समाज के साथ उसका कैसा कार्य है, इस चीज़ को यह निर्धारित करता है कि बच्चे का या फिर व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। दार्शनिक दृष्टिकोण से उस आदर्श क्या है, उसके आचरण क्या है, उसके व्यवहार क्या है, ये वास्तव में उसके व्यक्तित्व हैं। और एक व्यक्तित्व के कुछ अन्य शब्दों में देखा गया, जैसे उसकी मानसिक क्षमता और उसकी समायोजन करने की क्षमता, उसका व्यवहार कैसा है और उसके शारीरिक उपस्थिति कैसा है, ये इसके व्यक्तित्व के बारे में कहा जाता है। दिस वन इज आई थिंक बेस्ट है कि आप इससे व्यक्तित्व को लिख लीजिएगा। वैसे भी एक नंबर में इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसलिए पॉइंट दे रहा हूँ कि जो भी आपको याद आए लिख लीजिएगा। व्यक्तित्व के बारे में आप इसी को लिखिएगा कि व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। कभी कभी व्यवहार की व्याख्या करता है, कभी कभी दोस्तों मानसिक क्षमता की, कभी इसको समायोजन करने की क्षमता की, और कभी कभी शारीरिक उपस्थिति को स्पर्श करता है। ये हो गया दोस्तों व्यक्तित्व का अर्थ। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अब भाई मानसिक स्वास्थ्य क्या, आपके भाई मानसिक स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है? तो जो मानसिक रूप से बीमार नहीं है, जो मानसिक रूप से स्वस्थ है, मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। और जो मानसिक रूप से स्वस्थ दोस्तों, वह समाज के साथ सही समंजस स्थापित करेगा, समाज के साथ सही से व्यवहार करेगा। अब जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, उसको क्या ही पता कि कहाँ हमें सोना है, वो सड़क पे गिर गया, नाली में पड़ा है या फिर कुछ भी है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको समाज के साथ समंजस स्थापित नहीं कर पाए। मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं, मान लीजिए किसी घर कोई शोक सभा है, उसे पता ही नहीं, वो हंसे जा रहा है कुछ, तो मानसिक रूप से स्वस्थ का मतलब जो समाज के साथ सही संबंध स्थापित करे। तो किसी भी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य का संबंध उसकी भावात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक स्थिति से जुड़ा होता है। मानसिक स्वास्थ्य से व्यक्ति सोचने, समझने, महसूस कर कार्य करने की क्षमता से प्रभावित होता है। जो मानसिक स्वास्थ्य में होगा, वो सोचने की, समझने की, कार्य करने की, इन सारी क्षमताओं को उसे प्रभावित होता है। WHO के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं का एहसास होता है, और इस स्थिति में व्यक्ति दूसरों के साथ सकारात्मक तरीके से बातचीत करता है, साथ ही साथ तनाव से निपटने की क्षमता भी रखता है। तो ये हो गया दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य। अच्छा, एक और चीज़ है जिसको ओवर थिंकिंग की आदत है ना। ओवर थिंकिंग होता क्या है एक्चुअली भाई? ये ऐसी चीज़ें, ओवर थिंकिंग मैं आपसे कह रहा हूँ, लेकिन कभी कभी मैं भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता हूँ, इंसान इन्वॉल्व हो ही जाता है। तो ओवर थिंकिंग क्या होता है? ऐसी चीज़ें जिसमें आपका जोर नहीं, चाहे आपके पास्ट में कोई चीज़ हो गई या भविष्य में होने वाली है, उसमें आपका कोई जोर नहीं। जैसे आपने एग्जाम दे दिया, रिजल्ट आने वाला है, आप चाहे लाख सोचें वो चीज़ें बदल नहीं सकती, या फिर जो पास्ट में हो गया आपका रिजल्ट अच्छा आया या कुछ उसके बारे में कितना वो परिवर्तित। तो ये ओवर थिंकिंग कि ऐसा हमने नहीं किया होता, काश हमने उस दिन फ़ोन नहीं किया होता, काश उस दिन हमने ऐसा नहीं किया, ये ओवर थिंकिंग है। जो चीज़ें हो गई वो हो गई, अब उसे हम बदल नहीं सकते। तो जिसके अंदर ये चीज़ें भी ना, वो भी मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। मानसिक रूप से स्वस्थ कब होगा? जब उसको सोचेगा भाई जिस चीज़ में हम कुछ कर नहीं सकते हैं उसके बारे में क्यों ही सोचना, चलिए हटाइए आगे की तैयारी करें। चलिए इस तरीके से बात होगी। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब समाज के साथ संबंध स्थापित करें, उसके भावात्मक, मनोवैज्ञानिक और उसके सामाजिक स्थिति ये जुड़ा हुआ बात हो गई। चलिए, बालक के अधिगम में समुदाय की भूमिका क्या है? समुदाय मतलब जो जिस समुदाय से वो बिलोंग करता है, उसमें बालक के अधिगम के सीखने में समुदाय की क्या भूमिका है? बालक के अधिगम में समुदाय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। समुदाय अपने आदर्श तथा मान्यताओं के अनुसार व्यक्ति के व्यवहार का निर्माण करता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अगर मान लीजिए वो इस समुदाय में बिलोंग करता है जहाँ पे नॉनवेज खाना गलत माना जाता है तो वो नहीं खाएगा, लेकिन जहाँ ऐसे समाज में बिलोंग, ऐसे समुदाय से बिलोंग करता है जहाँ पे नॉनवेज खाना इट्स कॉमन, तो वो खाएगा। तो अपने समुदाय, उसका समुदाय उसके ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है सीखने को लेकर। ठीक है, मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसने वर्षों के अनुभव में यह सीख लिया है कि
व्यक्तित्व तथा सामूहिक क्रियाओं का विकास समुदाय द्वारा ही सर्वोत्तम रूप से किया जा सकता है। बात तो बिल्कुल सही है, ये किसने कहा था? विलियम हेगर के अनुसार। तो समझ गए ना समुदाय का कितना बड़ा योगदान है, भूमिका है बच्चों के सिखाने पे। समुदाय वह प्राथमिक जगह है जहाँ बच्चा सीखना शुरू करता है, जहाँ से देख के अनुकरण करके सीखता है। तो उसके समुदाय में जो चीज़ें प्रचलित होंगी वो उसे अपना स्वतः ही क्या करेगा, सीख लेगा। इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए यहाँ पर 2021 तक के सवाल कंप्लीट हो गए। 2021 22 के बहुत सारे सवाल 21 में थे, 21 के टोटल 10 के 10 सवाल हो गए। अब हम चलेंगे 2020 में, 20 में चले ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, पढ़ा जाए। चलिए पढ़ाए 2020 का पहला सवाल देखिए। पहला सवाल था कि शैक्षिक मनोविज्ञान का प्रत्यय, मतलब वही शैक्षिक मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं। हम इसको दो बार देख चुके हैं, स्किनर के द्वारा क्या, क्रोवन क्रो के द्वारा दो बार परिभाषा देख चुके हैं, तो फिर बात तीसरा देखने की जरूरत नहीं है। अभिवृद्धि एवं विकास की अवस्थाएं देखिए, अभिवृद्धि एवं विकास की अवस्थाएं। चलिए विकास की अवस्थाएं दो बातें, तो अभिवृद्धि और विकास की अवस्था। शैले के वर्गीकरण, शैले ने इसको कैसे वर्गीकृत किया, इन्होंने तीन बारे में कहा, शैशवावस्था, बाल्यकाल और किशोरावस्था। 1 से 5 साल को शैशवावस्था कहा, 5 से 12 साल को, 5 से 12 साल को बाल्यावस्था कहा, और 12 से 18 साल को किशोरावस्था कहा। रॉस ने इसे कैसे वर्गीकृत किया, रॉस ने कहा 1 से 3 वर्ष तक शैशवावस्था, और 2, 3 से 6 तक प्रारंभिक, और 6 से 12 उत्तर बाल्यावस्था, और 12 से 18 किशोरावस्था। ठीक है, तो इस तरीके से विकास की अवस्थाएं होंगे। ठीक है, तो दो वर्गीकरण मैंने आपको दे दिया। सेल ने कहा था कि 3 अवस्थाएं होती हैं, 1 से 5 तक शैशवावस्था, और 5 से 12 बाल्यावस्था, और 12 से 18 किशोरावस्था। अब आप बोलोगे सर कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन कुछ नहीं है, कन्फ्यूजन कुछ नहीं। यहाँ देखिए 12 से 18 किशोरावस्था है, 12 से 18 किशोरावस्था, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 5 से 12 है ना, यहाँ पे देखिए यहाँ 3 से 12 है, तो शुरू के 3 से 6 प्रारंभिक बाल्यावस्था, और बाद के 6 से 12 उत्तर बाल्यावस्था, और शैशवावस्था 103 यहाँ पे 105। ठीक है, समझ आ गए, इसको आप वर्गीकृत कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 सवाल 2022 के 3 सवाल कंप्लीट हो गए। चौथा देखिए, अधिगम से आप क्या समझते हैं। भाई अधिगम से अभी मैंने कहा कि व्यवहार द्वारा व्यवहारों में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। बच्चों को नई नवीन तत्वों को समझना सीखना, व्यवहार में रूपांतरण, ये अधिगम कहलाता है। अधिगम को हम ऑलरेडी देख चुके हैं, व्यक्तित्व को भी हम देख चुके हैं दोस्तों, व्यक्तित्व को भी ऑलरेडी समझ सकते हैं। बुद्धि की आधुनिक अवधारणा भी हम समझ सकते हैं कि वो जिस अनुपात में अमूर्त चीज़ों को सीखता है उस अनुपात में वो बुद्धिमान कहलाता है। यह सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। मानसिक रूप से स्वास्थ्य व्यक्तियों के 5 लक्षण, ये बात तो सही है। देख लेते हैं कि मानसिक, कोई बच्चा मानसिक रूप से स्वस्थ हो उसके 5 लक्षण बताइए। तो वो आत्मनिरीक्षण होगा, मतलब वो खुद के बारे में समझ सकता है, खुद के बारे में जान सकता है, खुद को सोच सकता है, सामंजस्य स्थापित कर सकता है समाज के साथ, क्लासरूम में कैसे बैठना है, लोगों के साथ कैसे बैठना है, कहाँ आना जाना है, सामंजस्य स्थापित कर सकता है। अच्छा एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो बुरा मत मानना, मतलब मोस्टली बॉय से, कि आप में से, मैं एक्सपेक्ट नहीं करना चाहता बट मैं कहना भी नहीं चाहता, मटाओ यार। तो दूसरा क्या है भाई, लक्षण क्या है, दूसरा है जीवन में नियमितता, जीवन में नियमित रेगुलरिटी होती है कि आगे कब क्या करना है, परिपक्वता मेच्योरिटी होती है, और सर्वांग जीवन, मतलब उसकी जीवन हर तरीके से चलता रहता है, खेल कूद उठक बैठक शादी वादी ये सारी चीज़ें। तो ये क्या भाई, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों के लक्षण है। अच्छा मैं जो बात कह रहा था ना वो मैं एक बात कहता हूँ, मतलब एज ए स्टूडेंट मैं मानता हूँ कि कुछ बुराइयाँ बहुत गलत होती हैं एक स्टूडेंट के अंदर। उसमें से पहली बुराई क्या है, पहली बुराई है कि ऐसे पदार्थों का सेवन करना जो कि एक नहीं करना चाहिए, जैसे उसमें हो गया शराब, उसमें हो गया गुटखा, उसमें हो गया सिगरेट, उसमें हो गई इन सारी चीज़ों को। तो मैं बस यही कह रहा था कि गुटखा खाना ना बहुत ही बुरा लगता है, पान हो गया, गुटखा हो गया, तम, ये ना बहुत ही बुरा लगता है। मुझे लगता है कि ये एक विद्यार्थी कभी इन चीज़ों का सेवन कर ही नहीं सकता अपने जीवन में। पर अच्छा ज़रूरत क्या है, मैंने एक व्यक्ति से पूछा था कि आप लोग ये क्यों खाते हैं, तो शुरू में तो वो मज़े के लिए खाते थे लेकिन बाद में वो उनकी मजबूरी बन जाती है। जैसे कुछ लोग ना जैसे बहुत हार्ड वर्क करते हैं, जैसे मजदूरी का काम करते हैं, तो ये इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना जो हल्का नशा कर देता है, जैसे मान लो कहीं चोट लगे उन्हें एहसास नहीं होता, थकान हुआ उन्हें एहसास नहीं होता, लगे रहते हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि विद्यार्थी जीवन में हमें इन चीज़ों का क्या ज़रूरत है, हमें होश में रह के पढ़ना है, हमें कौन सा नशे में जा कर पढ़ना है। ठीक है, और बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में तो वो वाला ड्रग्स वग्स चलता है। तो कहने का मतलब है यार कि इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। ठीक है, इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। बात कहाँ से शुरू हुई थी, ये बात हुई थी मानसिक व्यक्ति के लक्षण की बात हुई थी। तो मैंने कहा ये लक्षण एक विद्यार्थी के अंदर नहीं होना चाहिए, मतलब ठीक है। चलो बाकी आप लोग तो अच्छे बच्चे हैं, मैं वो नहीं कह रहा, मुझे जस्ट याद आ गया, आप लोग तो अच्छे बच्चे हैं यार, ये सब थोड़े नहीं करेंगे आप लोग। चलिए किशोरावस्था की समस्याएं बताइए। किशोरावस्था में सबसे बड़ी समस्या क्या है भाई, तूफान का एज होता है किशोरावस्था, 12 से 18 साल।
इसमें क्या होता है, स्वतंत्रता की समस्या किशोरावस्था में आत्म प्रकाशन की बड़ी भावना बड़ी प्रबल होती है। स्वतंत्रता की समस्या मतलब बच्चों को लगता है ना कि यार मुझे दबाया जा रहा है, मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए, मतलब मैं अपने से, तो वो एक भावना होती है किशोरावस्था में, वो जेन्युइन सी बात है। स्थिरता एवं सामंजस्य की समझता मतलब वो थोड़ा सा अभी उनको समझा दो बायोलॉजी सही है, हाँ बायोलॉजी सही है, उन्हें समझा दो ये सही है ये सच है, मतलब अस्थिरता होती है, स्थिरता में थोड़ी सी दिक्कत होती है, ठीक है, स्टैंड लेना मुश्किल होता है। विरोधी भावना की समस्या होती है, बार बार लड़ जाते हैं, पेरेंट्स लड़ जाते हैं, भाई उससे लड़ जाते हैं, तो विरोधाभास होता है उसमें। प्रबल जिज्ञासा की भी समस्या, प्रबल जिज्ञासा की समस्या मत कहेंगे, अति प्रबल मतलब ये तो ठीक है, जिज्ञासा की समस्या मत करिए, लेकिन हाँ जानने की इच्छुक रखते हैं। आत्मगौरव की समस्या, ईगो बड़ा सेंटिमेंट हर्ट हो जाता है उनका, तो कोई टीनेजर को कह दो कि कुछ भी बोल दो तो ईगो बड़ा जल्दी इनका हर्ट हो जाता है, ठीक है। और आत्मनिर्भरता की समस्या होती है, कल्पनाशील क्रियाओं में खोए रहते हैं मस्त, ओह लेकिन टीनेज क्या एज होता है ना, बस खोए रहते हैं, मतलब वो क्या खोए रहते हैं टीनेज में। व्यवसाय चयन की समस्या, समझ नहीं पाते कि क्या करना है क्या, इसलिए उनको टीनेज में बहुत बहुत अच्छे से समझाना पड़ता है बच्चों को, एक दोस्त की तरह समझाना पड़ता है, जैसे दोस्त मिल गए वैसे वो बन जाएगा। तो ये हो गई दोस्तों किशोरावस्था की समस्याएं, ठीक है, लिख लेंगे बहुत से, यहाँ देखेंगे 2020 में भी बहुत सारे सवाल रिपीटेड थे तो इसलिए उसको स्किप कर देगा 2019। अच्छा एक मैं बात बता दूं आपको, अभी लास्ट में बताऊंगा, 2019 का पहले देख लेते हैं, 2019 में भी बहुत कम सवाल होंगे, बाकी सारे रिपीटेड हैं जो कि हम देख चुके हैं। अभिवृद्धि की अवधारणा, अभिवृद्धि का मतलब ग्रोथ। अब ग्रोथ क्या होता है, दो चीज़ें होती है ग्रोथ, एक अभिवृद्धि होती है, एक विकास होता है, ग्रोथ होता है, एक डेवलपमेंट होता है। तो ग्रोथ का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए किसी का शरीर की लंबाई बढ़ जाना, वेट बढ़ जाना, आकार बढ़ जाना, शेप बढ़ जाना, इन चीज़ों को कहते हैं ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब वह परिवर्तन जिसे आप नाप सकते हैं, जिसे आप महसूस कर सकते हैं। जैसे मानव अभिवृद्धि का तात्पर्य मानव शरीर के अंगों के आकार, भार और कार्य शक्ति में होने वाली वृद्धि से। उसके शारीरिक अंगों में बाह्य और आंतरिक दोनों अंग पाए जाते हैं। बाह्य अंगों से हाथ, पैर, सिर, पेट आदि अंग होते हैं, आंतरिक अंगों से विभिन्न कंकाल, पाचन, रक्तस्वामी, ये मस्तिष्क आते हैं। मनुष्य की अभिवृद्धि एक निश्चित आयु 18 से 20 तक होती है और इस आयु तक लगभग पूर्ण हो जाती है, इसे परिपक्व मैच्योरिटी कहते हैं। मानव शरीर में होने वाली इस अभिवृद्धि को नापा या तोला जा सकता है, मतलब वे वृद्धि, वे परिवर्तन जिसको नाप तोल सकते हैं उसे हम वृद्धि कहते हैं, ये एक निश्चित समय तक होती है। अब मान लीजिए पूरी जिंदगी तो हमारी हाइट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, तो ये क्या निश्चित समय तक होती है, इसको हम वृद्धि कहते हैं। इसके विपरीत विकास जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है, वो पूरी उम्र चलती रहती है, इसे आप नाप नहीं सकते। नाप नहीं सकते मतलब विकसित होने का मतलब किसी बच्चे की सोच विकसित हो गई, पहले वो चीज़ों को संकीर्ण रूप से देखता था, नैरो सेंस में देखता था, अभी वो ब्रॉडर सेंस में देखने लगा। तो भाई आप इसको कैसे नापेंगे, ये आप महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन नाप नहीं सकते। तो ये हो गया विकास। अभिवृद्धि का मतलब जिसे आप ना समझें, सामाजिक विकास। अब यही बात आ गई सामाजिक विकास, सामाजिक विकास को कैसे नापेंगे, पहले वो समाज के साथ ठीक से नहीं रहता था, वो उल्टे सीधे काम करते थे, अभी समाज के साथ अच्छा रहता, कैसे नापेंगे, ये धीरे धीरे एहसास होता है। तो सामाजिक विकास के बारे में आप एक पॉन्सियन ने परिभाषा दिया था, देखिए, विकास एक आंशिक अथवा शुद्ध प्रक्रिया है जो आर्थिक पहलू में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। आर्थिक जगत में विकास से तात्पर्य प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि लगाया जाता है। सामाजिक विकास से तात्पर्य जन संबंधों तक ढांचे हैं जो किसी समाज को इस योग बनाती है कि उनकी सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरी किया जा सके, मतलब पूरा किया जा सके, सामाजिक विकास ही हो गया बात, ठीक है। इस परिभाषा को देखते हैं, सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके कारण अपेक्षाकृत सरल समाज एक विकसित समाज के रूप में परिवर्तित होता है। दिस इज द बेस्ट। सामाजिक विकास क्या है भाई, एक जो सरल समाज था, साधारण समाज था, वो एक विकसित समाज के रूप में बदल गया, तो यही प्रक्रिया क्या है भाई, सामाजिक विकास कहलाती है, समाज के रूप में विकसित होना कहलाता है। चलिए अब प्रतिभाशाली बालक से आप क्या समझते हैं, प्रतिभाशाली बालक का मतलब टैलेंटेड बच्चे, प्रतिभाशाली मतलब, या फिर गिफ्टेड चाइल्ड कह लीजिए, गिफ्टेड चाइल्ड, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ वे व्यक्ति जो साधारण बच्चों से, वे बच्चे जिस साधारण बच्चों से सोचने में आगे हो, उनकी आईक्यू लेवल तीव्र हो, समझने में आगे हो, कार्य करने में आगे हो, इस तरीके के बच्चों को हम क्या कहते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे। प्रतिभाशाली बालक विशिष्ट बालक होते हैं, स्पेशल बच्चे होते हैं, इनकी बौद्धिक क्षमता सर्वोच्च श्रेणी की होती है, अच्छे लेवल की होती है, और वृद्धि लब्धि सामान्य बालकों से कहीं अधिक होती है। यह ज्ञान प्राप्त करने में श्रेष्ठ होते हैं, परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त कर सभी को चकित कर देते हैं। इनकी कल्पना शक्ति, सोचने की क्षमति, स्मरण शक्ति, याद करने की शक्ति, तर्क, लॉजिकल बात करने की सूझ शक्ति बहुत अधिक होती है, और इनका ध्यान विस्तार भी अधिक होता है, तथा वह अपने ध्यान को देर तक केंद्रित रख सकते हैं। तो ये हुए प्रतिभाशाली बालक और उनकी विशेषताएं, इंपॉर्टेंट है भाई, आप इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा।
प्रतिभाशाली बालक जो सामान्य बालकों से श्रेष्ठ होते हैं सोचने में। बाल अपराध क्या है? बाल अपराध, अच्छा बाल अपराध की एक कारण मैं पूछूं कि बाल अपराध के एक कारण क्या हो सकते हैं, आप कह सकते हैं बाल अपराध का एक कारण है शिक्षा से वंचित हो जाना। हो जाना भाई, शिक्षा से जो वंचित होता है वो क्या हो जाता है, बाल अपराधी हो जाता है। तो जब बच्चों द्वारा कोई कानून विरोधी या समाज विरोधी कार्य किया जाता है तो उसे किशोर अपराध या बाल अपराध कहते हैं। कानूनी दृष्टि से बाल अपराध 8 वर्ष से अधिक और 16 वर्ष की कम आयु तक बालक द्वारा पूरा किया गया कानून विरोधी कार्य है जिसे कानूनी कार्रवाई के लिए बाल न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाता है। तो दोस्तों कोई भी समाज के विरोधी या कानून के विरोधी किया गया कार्य बालक के द्वारा 8 से 16 वर्ष के आयु के बच्चे के द्वारा किया गया विरोधी कार्य क्या कहलाता है, बाल अपराध कहलाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं भाई, इसके लिए हम क्या करते हैं, कानूनी कार्रवाई के लिए बाल न्यायालय इसको भेजते हैं और वहाँ पे बाल सुधार केंद्र, उसको जेल में ही बाल सुधार केंद्र भेज दिया जाता है यहाँ पे उस आधार पर। ये हुई बाल अपराध के बारे में। अब आइए बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं हमने समस्याएं देखी थी, अब हम विशेषताएं देख लेते हैं। ठीक है, तो बाल्यावस्था की उत्तर बाल्यावस्था 3 से 6 साल, 6 से 12 साल प्रारंभिक 3 से 6, उत्तर 6 से 12। तो 12 साल से कम का बच्चा कैसे ट्रीट करेगा भाई, उसकी विशेषताएं क्या है, शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता। मानसिक मतलब शारीरिक विकास समझ में आने लगेगा, क्योंकि अब 11 साल का लड़का समझ में आने लगेगा कि मतलब ये लंबा होगा या फिर कैसे होगा, सांवला होगा, गोरा होगा, कैसे होगा, चीज़ें समझ में आ जाती है, उसके बॉडी पार्ट सही से काम कर रहे हैं, पैर वैर समझ में आए। मानसिक योग्यताओं का विकास होने लगेगा, प्रबल जिज्ञासा, इतने सवाल पूछते हैं इस एज के बच्चे। चलिए, वास्तविक जगत से संबंध सोचने लगेंगे, समझने लगेंगे, हाँ ये मेरे पापा हैं, ये मेरे मामा हैं, मेरे खाला हैं। सामूहिक खेल कूद में भाग लेने लगेंगे, रचनात्मक कार्यों में रुचि, आत्मनिर्भरता आ जाएगी। आत्मनिर्भरता मतलब बाल्यावस्था से, बाल्यकाल से पहले उनको मम्मी ही वॉशरूम कराती थी, उनको नहलाती थी, लेकिन इस एज में वो खुद से नहाने आत्मनिर्भरता हो जाएगी। सामाजिक भावना का विकास हो जाएगा कि हमें यहाँ ये नहीं करना है, मतलब यहाँ कचरा नहीं फेंकना है, इन चीज़ों का विकास हो जाएगा बाल्यावस्था में। ये हो गई बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता। अब यहाँ पे आता है मनोविज्ञान और शिक्षा में संबंध। शिक्षा मनोविज्ञान, बात तो वही है भाई, मनोविज्ञान शिक्षा में संबंध, मतलब शिक्षा के मनोवैज्ञानिक संप्रत्ययों का, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का शिक्षा में प्रयोग मानव। तो ये हो गए, अब संबंध देख लेते हैं दोस्तों। मनोविज्ञान मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है और शिक्षा मानव व्यवहार में परिवर्तन लाती है। मानव व्यवहार में परिवर्तन शिक्षा लाती है और मनोविज्ञान क्या है, मानव के व्यवहारों का अध्ययन करता है। इस प्रकार दोनों ही मानव जीवन से संबंधित है, दोनों ही केंद्र बिंदु व्यक्ति हैं, दोनों के केंद्र बिंदु व्यक्ति हैं। अच्छा, वास्तव में मनोविज्ञान जहाँ मानव के मन की गहराइयों में पहुंचकर विभिन्न मानसिक क्रियाओं का अध्ययन कर मानव की अनुभूति और व्यवहार का तर्कपूर्ण विश्लेषण करता है, वहीं शिक्षा वह सामाजिक प्रक्रिया है जो मानव व्यवहार को उद्देश्यपूर्ण परिवर्तन करती है और मानव व्यवहार में वांछित परिवर्तन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और नियमों के आधार पर सुनिश्चित परिणाम प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब दोस्तों, मनोविज्ञान और शिक्षा में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। ये इस प्रकार से हैं जैसे एक सिक्के के दो पहलू, दोनों में केंद्र जो है वो व्यक्ति होता है, जहाँ पे मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन करता है और उस व्यवहार, उस अध्ययन से जो उद्देश्य निकलता है उस उद्देश्य के आधार पर शिक्षा उस व्यक्ति के, उस मनुष्य के व्यवहारों में परिवर्तन करता है। ये हो गई बात मनोविज्ञान और शिक्षा में संबंध की। इस तरीके से आप अपने शब्दों में लिखते हुए चलेगा, टेंशन मत लीजिए, जो समझ में आया लिख के आइएगा, मज़ेदार पेपर होगा, फिकर नॉट, टेंशन नहीं करते। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वन, और ये लास्ट प्रश्न होगा। 2019 का प्रश्न हम देख रहे हैं ना, 2018 के बारे में एक बात कह रही थी, अभी मैंने पहले कहा था कि मैं इस बात में कहूँगा, वो बात बता दूँ। अभिवृत्ति क्या है भाई, एटीट्यूड क्या होता है किसी बच्चे का, एटीट्यूड क्या है, जैसे मानिए कोई बच्चा आया तो उसने, कोई बच्चा या फिर कोई भी व्यक्ति बड़े घमंड तरीके से आपसे बात कर रहे हैं, अरे बड़ा एटीट्यूड वाला लड़का है यार, या फिर कोई अच्छे से भी बात करते, तो वास्तव में एटीट्यूड क्या होता है ना, कि कोई व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है, अपने उसकी पसंद क्या है, ठीक है, उसकी अपनी रुचि, अपनी पसंद, अपनी योग्यता, कैसे व्यवहार करता है, वास्तव में इसको हम अभिवृत्ति एटीट्यूड कहते हैं। अभिवृत्ति व्यक्ति का वह गुण है जो व्यक्ति की पसंद या नापसंद को दर्शाता है। अभिवृत्ति को इंग्लिश भाषा में एटीट्यूड कहा जाता है। एटीट्यूड शब्द लैटिन भाषा के एप्टस शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है योग्यता या सुविधा। तो अभिवृत्ति का संबंध अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव से है, या एक मानसिक दशा है जो सामाजिक व्यवहार की अभिव्यक्ति करने की विशेष भूमिका प्रस्तुत करती है, एक विशेष भूमिका प्रस्तुत करती है कि व्यक्ति समाज के साथ कैसा बर्ताव करता है, व्यवहार करता है। अभिवृत्ति को ही कभी कभी मनोवृत्ति के नाम से प्रयोग किया जाता है, यह दोनों ही शब्द एक ही हैं। तो अभिवृत्ति क्या है भाई, अभिवृत्ति किसी के पसंद नापसंद को दर्शाता है, ठीक है, इसका मतलब आप समाज के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कैसी आपकी बिहेवियर है, तो ये आपका एटीट्यूड कहलाता है। अब यहाँ तक हम 2019 को देख रहे थे, मैं यही आपसे एक बात कह रहा था
कि 2018 के जो भी प्रश्न थे ना वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड थे, तो इसलिए हम 2018 को नहीं देखेंगे और यहाँ पे हम वीडियो को कर देंगे विराम, समाप्त, पूर्ण विराम। तो अभी तक आपने ये मत सोचिएगा 2018 नहीं देखा, 2018 के सारे क्वेश्चन आप रिपीटेड हैं, और मैं बहुत 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 इस बात से कॉन्फिडेंट हूँ कि 2023 में भी जो सवाल आएंगे वो इन्हीं से मिलते हुए जुलते मिलेंगे। हो सकता है 2022 का मिले, 2021 का मिले, 2020 का मिले, 2019 का मिले, लेकिन बहुत संभावना यही है कि इन्हीं सबसे आपको सवाल 2023 में मिलेगा। तो चिंता मत करिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। आपको पता है 12 बज रहे हैं जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पूरा घर सोया पड़ा है, मैं एक कमरे में बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मुझे पक्का जानना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, पसंद आया कि नहीं आया, कितना अच्छा लगा, मज़ा आया कि नहीं आएगा, समझ में आया कि नहीं आया, और एग्ज़ाम में पूछेगा तो लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, लिख लेंगे, मुझे पक्का भरोसा है, पक्का इस बात पे विश्वास है। तो हम इस वीडियो को यही समाप्त करेंगे दोस्तों। मुझे बड़ा ही मज़ा आया इस वीडियो को बना के, बड़ा ही अच्छा लगा, ऐसा लग रहा है कि आप मेरे सामने बैठे हैं और मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ लेकिन आप भी जवाब दे सकते हैं अपने कमेंट में, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, रिप्लाई जरूर करिएगा, बताइएगा कि यह वीडियो कैसी लगी। बाकी आप अपनी राय प्रतिक्रियाएं जरूर करिएगा कमेंट में, और पसंद आई तो लाइक नहीं करते हैं, मुझे पता है बच्चे लाइक नहीं करते हैं, और यहाँ तक अगर आप देख रहे हैं तो अगर आप नहीं लाइक करेंगे, क्योंकि बहुत लोग तो बीच में छोड़ के भाग गए होंगे, तो अगर आप यहाँ तक देखने के बाद भी लाइक नहीं करेंगे और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये तो गलत बात है। चलिए खैर आपकी मर्जी, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता हूँ। बाकी मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, नहीं जुड़े चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्लीज़ यार अब समय नहीं बचा है, इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, प्लीज़ अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करिएगा, आपके दोस्तों को बड़ा बेसब्री से इंतजार है इस वीडियो का, क्योंकि अगर आपको पसंद आया होगा, अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए अच्छी चीज़ तो आपके दोस्त के लिए भी बखूबी होगी। सो अ फ्रेंड इन अ नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, एक अच्छे सच्चे मित्र बनिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कॉलेज ग्रुप में शेयर करिए, जुड़े रहिए चैनल से। मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे किसी अन्य जानकारी के साथ, अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।